बेटा आपका कहाँ पे सिलेक्शन हुआ, किस चीज के लिए आपने क्वालिफाई किया? सैनिक स्कूल रेवाड़ी के लिए। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एमडी डिफेंस स्कूल। तो यहाँ पे जो स्टाफ या टीचर की बात करें तो किस तरह का है? टीचर्स एंड स्टाफ बहुत अच्छे हैं स्कूल के। तो आज आपने जो क्वालिफाई किया है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? टीचर्स एंड पेरेंट्स। आपका शुभ नाम? माय नेम इज मानव। अपने दोस्तों के लिए क्या मैसेज आपका? जैसे मैंने करके दिखाया ये बच्चे भी वैसे ही मेहनत करेंगे। थैंक यू। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड ऑल स्टाफ MDSS हाई स्कूल, हम यहाँ पर पहुँचने पर हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो आज इस स्कूल के इतने बच्चों ने सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई किया है, और एक बच्चे का जो एडमिशन हुआ है सैनिक स्कूल रेवाड़ी में, मैं पूरे स्टाफ को आपको बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद भी करते हैं। मैं हमारे इस पूरे परिवार की तरफ से, इस पूरी कॉलोनी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और हम स्वागत भी करते हैं। और हम पूरी कॉलोनी की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से स्कूल को एक मोमेंटो देकर हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। प्लीज़ आप पूरा स्टाफ एक बार हमारे साथ खड़े हो जाएं। आज इस खुशी के मौके पर मैं ऋषि दयानंद शिक्षा सदन हाई स्कूल के पूरे स्टाफ का हमारे कॉलोनी में, हमारे परिवार में तहे दिल से स्वागत है, वेलकम। हम पूरे स्टाफ को बधाई देते हैं जो हमारे टीचर साहबान की मेहनत की बदौलत आज हमारा बच्चा, इनका बच्चा आज सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुआ। इनके आशीर्वाद से, इनकी मेहनत से सैनिक स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो गया। मेरे पूरे परिवार की तरफ से और इनकी मेहनत के साथ साथ मेरे माता पिता की मेहनत भी, मेरी मिसिज की मेहनत भी, जिन्होंने बच्चे को स्कूल की गाइडलाइन के हिसाब से प्रिपेयर किया साथ में, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरी पूरी कॉलोनी से कि भाई आप भी अपने बच्चों को मैं ऋषि दयानंद शिक्षा सदन में एडमिशन कराएं। जैसे अपने बेटे मानव का क्वालिफाई हुआ है सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, ऐसे ही आपके बच्चों का भी होगा। हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, स्कूल तरक्की करेगा, अध्यापकों की जो मेहनत है वो रंग लाएगी। और रही फीस की बात, मैं कल भी प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करके आया था, जी हमारी कॉलोनी गरीब है, थोड़ा आप भी फीस में हमारी तरफ देखना जी, बच्चों की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, हम बच्चे लेके आएंगे। जैसे ही मेहनत आपने हमारे बच्चों के साथ की है, उम्मीद करते हैं हम और भी बच्चे लेके आएंगे, उनके साथ भी आप इतनी मेहनत करें, थैंक यू। हेलो नमस्कार सर, जैसा भी इमानों के पेरेंट्स ने बोला है कॉलोनी वासियों से, वैसे ही मेरी भी हार्दिक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अपने स्कूल में भेजें और उनको आगे बढ़ने से, कि हमारा बच्चा जैसे आगे बढ़ा है वैसे ही पूरी दुनिया में उनका भी नाम रोशन। मैं सभी MD डिफेंस स्कूल का स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम को हासिल किया, मैं MD डिफेंस स्कूल की तरफ से आपको कुछ बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ करीब करीब 14 से 15 बच्चे थे जिन्होंने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया, और सभी के सभी बच्चों ने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे सभी बच्चों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। उनमें से एक लड़का है जिसका आज ये प्रोग्राम है, मानव का एडमिशन सैनिक स्कूल जो हमारा रेवाड़ी के अंदर है उसके अंदर एडमिशन हो गया है। ज्वाइन मंडे से इसका कंटिन्यू है, अब वहाँ पर अपनी स्टडी शुरू करेगा। इसके अलावा जैसे अभी मानव के पेरेंट्स ने जैसे कि कहा कि हमारी जो कॉलोनी है वो थोड़ी सी फाइनेंशियली कमज़ोर है, थोड़ा सा जो अपना जो लेबर वर्ग है वो यहाँ ज़्यादा है, तो मैं सभी कॉलोनी वासियों को ये कहना चाहूँगा MD डिफेंस की तरफ से कि आप अपने बच्चे को MD डिफेंस स्कूल में भेजिए। फाइनेंशियली अगर किसी को जेन्युइनली अगर कोई दिक्कत है तो MD डिफेंस स्कूल उसके साथ है, हर तरह से उसका सहयोग किया जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अगर उसको लगन है पढ़ने की, तो पैसों की वजह से या फाइनेंस की वजह से हम बच्चे को पीछे नहीं रहने देंगे।
ये एमडी डिफेंस आपसे प्रोमिस करता है। दूसरा, मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा, सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे आज मानव ने एक बच्चा है जो आपकी कॉलोनी से इतने अच्छे स्कूल के अंदर गया है। मैं आपको बताना चाहूँ कि सैनिक स्कूल के अंदर जो सीटें होती हैं वो मात्र 67 होती हैं ऑल ओवर हरियाणा, और अगर उन 67 सीट्स के अंदर हमारे बच्चे ने अपना स्थान पक्का किया है तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। साथ के साथ मैं स्टाफ के साथ साथ, स्टाफ ने तो मेहनत की ही है, साथ ही इनके पेरेंट्स जिन्होंने स्कूल के अनुसार चले, जिन्होंने टाइम टू टाइम स्कूल में आके बच्चे को रूटीन चेकअप किया, बच्चा किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, हमारा सहयोग दिया, या फिर जैसे कि हम यहाँ बच्चे के बाद में 5 से 6 बजे हम बच्चे को फ्री करते थे, तो बच्चे को लेके आना लेके जाना पेरेंट्स का भी उतना ही काम होता जितना के स्टाफ मेंबर्स का होता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से कहना चाहूँगा, पैसों के लिए अपने भी रहने दीजिए, स्कूल है नवोदय में भी रहने दीजिए, स्कूल है नवोदय स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ 5वीं क्लास के बाद ही शुरू हो जाती हैं। अगर हम शुरू में ही बच्चे के ऊपर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि शायद आने वाला जो भविष्य होगा वो हमारा और हमारे बच्चों के लिए